डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुहब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे चैप्टर 12 के अंदर एल्कोहल निर्माण की विधियां, उसमें अपने नेक्स्ट मेथड चल रहा था हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा किस प्रकार एल्कोहल का निर्माण होता है, तो यहाँ से मैं किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे टॉपिक का नाम है आपका हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कोहलों का निर्माण करना है। इसमें होता क्या है कि अपन यहां पे एल्किन लेंगे, यहां पे इस एल्किन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करवाएंगे, तो डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है यहां पे B2S6 1 मोल BH3 होगा, यानी कि 3 मोल के बीच अभिक्रिया संपन्न होगी, तो यहां से बनेगा ट्राई एल्किल बोरेन। उस ट्राई एल्किल बोरेन का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो यहां से किसका निर्माण हो जाता है, एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है देखिए, यहां से एल्किन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्किन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ मैंने करवाई B2S6, यानी कि बोरेन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, BH3 हो जाएगा। तो यहां से पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट मार्कोनी कोक रूल्स के अनुसार करवाना है, यहां से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन हुआ, यहां पे क्या आया पार्शियली नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव। बोरेन का जो अणु है वो कैसे टूट जाएगा, H माइनस, और यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, हाइड्राइड फॉर्म में H निकलेगा, तो ये जो H माइनस है वो कहां पे ऐड हो जाएगा, इस पॉजिटिव पे, और इस नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, ये BH2। क्या बन जाएगा आपका, यहां से मोनो एल्किल बोरेन बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा आपका B, यानी कि बोरेन है, उस बोरेन में कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहां पे 1, इस कारण ये कैसा डेरिवेटिव कहलाएगा, मोनो एल्किल बोरेन। नाम क्या हो जाएगा भाई इसका, मोनो एल्किल बोरेन। और ये जो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण है इसमें एल्किन के कितने मोल लेते हैं अपन, 3 मोल के बीच लेते हैं, तो यानी कि सेकंड मोल मैंने लिया यहां से एल्किन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर कैसे टूट जाएगा, यहां से मार्कोनी कोक एडिशन करवा दे, यहां से यहां पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब यहां से ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा, यहां से H माइनस फॉर्म में निकाल ले, तो यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो देखो यहां से H माइनस कहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे, और ये B पॉजिटिव है वो कहां पे जुड़ जाएगा, यहां से। तो देखो सेकंड मोल क्या बच जाएगा, यहां से CH3CH2CH2, यहां से ये BH, और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये पूरा मोल जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH3। अब यानी कि बोरेन पर कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए यहां पे 2, तो कैसा बोरेन कहलाए, कैसा डेरिवेटिव कहलाएगा, डाई एल्किल बोरेन बन जाएगा। अब थर्ड मोल के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे, क्योंकि 2 मोल एल्किन के ले चुके हैं, तो तीसरा मोल लेंगे यहां से एल्किन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी कैसे टूट जाएगा, यहां से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाएंगे, यहां पे पार्शियली नेगेटिव, तो यहां पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव, यहां से जो H है यहां से डिस्कनेक्ट करवाएंगे, यहां पे हाइड्राइड फॉर्म में, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो देखिए यहां से इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ जाएगा, ये H माइनस, और यहां पे इस नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, ये B प्लस। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा CH3CH2CH2, ये B CH3CH2CH2, पहले ऐसे था, इस मोल पे तीसरा मोल कौन सा जुड़ जाएगा, ये वाला, देखो क्या तीसरा मोल इस फॉर्म में जुड़ जाएगा CH3CH2CH2B। क्या मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3CH2CH2 1 2 3 सेम मोल है, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 3, और यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है ट्राई एल्किल बोरेन। अब इस बोरेन पर कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए, यहां पे 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन का अपन यहां से क्या करते हैं, जलीय एक्वस कंडीशन के अंदर OH माइनस नेगेटिव, यानी बेसिक कंडीशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको ऑक्सीडाइज करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, H2O2।
H2O2 जो होता है इसका नाम होता है हाइड्रोजन परोक्साइड। अब इस हाइड्रोजन परोक्साइड की उपस्थिति में इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो देखो यहां से 3 मोल, तो बेसिक कंडीशन के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसके OH- माइनस के निकल जाएंगे और ये H2 है वो कैसे टूटेगा H प्लस OH माइनस। जबकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व के रूप में कौन आएगा यहां पे OH माइनस। तो कितने OH माइनस, 3 OH एक्वस जल के मॉलिक्यूल से, और 3 OH माइनस कहां से निकलेंगे, यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यानी कि यहां से ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, 3 OH तो इन एल्किल ग्रुप पे जुड़ जाएंगे और 3 OH कहां पे जुड़ जाएगा, B पे, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका देखना CH2 यहां पे OH सामने मैंने 3 लगा दी, तो यानी कि 3 मोल पर क्या जोड़ दिया मैंने OH, तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल, और इस B पर कौन जुड़ जाएगा OH के कितने मोल जुड़ जाएंगे 3। तो यानी इसको मैं बोल सकता हूं देखो H3 B ऑक्सीजन कितने यहां पे 3, तो ये बन जाएगा आपका H3 BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि OH समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो कैसा एल्कोहल कहलाता है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल जिसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। तो ये मेथड कहलाता है अपन का हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात है कि जो एल्किन है उस एल्किन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण हो जाएगा, 3 मोल एल्किन के लेंगे तो ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा, और इस ट्राई एल्किल बोरेन का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परोक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन करवा दे तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ये मेथड कहलाता है आपका हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। नेक्स्ट मेथड में पढ़ रहे हो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण। यानी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण के थ्रू अपन एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, इसमें होता क्या है कि जो आपका एल्किन है, एल्किन है इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, मर्क्यूरिक एसिटेट। इस मर्क्यूरिक एसिटेट का जो फॉर्मूला होता है HgOCOCH3OCOCH, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिड। यानी एल्किन ले लेंगे अपन, मैंने एल्किन के रूप में जैसे ब्यूटेन इंडिया CH3CH2CH CH2। एल्किन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे यहां पे, मर्क्यूरिक एसिटेट की उपस्थिति में करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में होती है अभिक्रिया, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में होती है। तो यहां पे एडक्ट बनेगा युगोत्पाद, उस एडक्ट का यहां पे क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, यहां पे NaBH4, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट इसकी प्रेजेंस में अपन रिडक्शन करवाएंगे तो यहां से किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये जो मेथड है ये कहलाता है आपका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। किस प्रकार होता है देखिए, तो यहां पे क्लियर है, यहां पे ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विकरण मर्क्यूरीकरण में क्या पढ़ेंगे कि जो एल्किन है उस एल्किन की अभिक्रिया इस मर्क्यूरिक एसिटेट के जलीय विलयन के साथ किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, THF की उपस्थिति में करवाएंगे। तो यहां से क्या बनेगा, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण योगज बनेगा। उस ऑक्सी मर्क्यूरीकरण योगज का यहां से क्या करवाएंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो यहां से किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये मेथड कहलाता है आपका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।